नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले की तहसील बजीरपुर उपखंड के ग्राम पंचायत रेंडाल गुजर में प्रशासन गांवों के संग शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में प्रधान उपजिला कलेक्टर तहसीलदार का ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। शिविर में ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान किया। साथ ही शिविर में आवासीय पट्टे, जन्म प्रमाण पत्र, कृषि विभाग से संबंधित कार्य किए गए। शिविर में गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। अरे सर जी, ये जो संजय प्रजापत का जो मामला था, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जिस वो पीएम आवास में से जो नाम काट दिया गया, और दोषी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई अभी तक की है सर? संजय के प्रकरण, ये काफी पुराना प्रकरण है, मेरे से पुराना प्रकरण है, लेकिन इसके बारे में हमने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और ये पात्र पाया गया था। राज्य सरकार ने पात्रता के लिए केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिख दी है। तो केंद्र सरकार से अभी कोई अपने के पास में इनके कन्फर्मेशन का कार्य कागज प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए इनको लाभ अभी नहीं दिया जा सका। तो दोषी जो था उसका यहाँ से अपन ने एपीओ कर दिया था और उसको जगह दूसरा सचिव में लगा दिया। आवास में जो नाम कटा है वो अभी जो कब तक जुड़ जाएगा सर? ये विचाराधीन है, प्रक्रिया तो विचाराधीन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मैटर है, ये हमारे स्तर का मैटर नहीं है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मानकी स्टोन क्रेशर प्लांट में अवैध वसूली करने का विरोध करने पर कथित पत्रकारों ने एक कर्मचारी का सिर फोड़ दिया। अवैध वसूली में मारपीट की इस घटना का विरोध होते हुए देख आरोपी धूल उड़ाते हुए क्रेशर प्लांट के बीच बने अपने ऑफिस को बंद कर फरार हो गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। सुभाष चंद निवासी फतेहाबाद हाल से स्टोन क्रेशर ने एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें मनीष और भोलू नाम के व्यक्तियों पर दबाव डाल करके पैसे हटने का आरोप लगाया और इन्होंने एफ आई आर में ये भी कहा कि फर्जी पत्रकार बन करके हमारे पर दबाव डालते हैं और हमारे से पैसे की मांग करते हैं। सर, इनके पास कोई वाहन भी हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ, वाहन संख्या लिखी है, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है। ऑफिस को